हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हो कि हम लोग पोलैंड से इधर जर्मनी मूव किए हैं, तो बहुत बहुत क्या मैंने कभी भी पर्सनल लाइफ को कि मैं कहाँ हूँ या वहाँ क्या चीज़ें हमारे साथ घटित हुई हैं या फिर यहाँ पे क्या चीज़ें घटित हुई हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे जर्मनी को पोलैंड से अलग पाया। सारी चीज़ें इसी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो मैंने जर्मनी आने के बाद 6 मंथ में ऑब्ज़र्व की हैं, वो सारी चीज़ें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पोलैंड से जर्मनी मूव किए हैं और अप्रॉक्सीमेट मुझे 4 ईयर कंप्लीट हो गया था पोलैंड में। मैं 1 सितंबर 2018 में पोलैंड आए थे हम लोग, बट मैंने कभी भी पोलैंड के बारे में कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया। मुझे एक्चुअली ठीक भी नहीं लगा और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अब आपको कंपेयर करके धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। एंड कल्चर काफ़ी कुछ सेम है और काफ़ी चीज़ें अलग हैं पोलैंड का और जर्मनी का। तो सबसे पहले मैं ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं पोलैंड के क्राको सिटी में रहती थी एंड जर्मनी में हम लोग म्यूनिक में रह रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में टाइम टाइम पर होती रहती हैं, जिनको एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही कुछ हम लोग के साथ भी हो रहा है। हम लोग नई नई चीज़ें डेली सीख रहे हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने कैसे म्यूनिक को पोलैंड से अलग पाया और मैंने कैसे सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुई, सर्विसेज म्यूनिक में लेट हैं बट पोलैंड में फास्ट हैं। जैसे जस्ट लाइक मैंने इंटरनेट वहाँ कनेक्शन लिया, यहाँ कनेक्शन लिया, वहाँ का कनेक्शन 2-3 डेज में हो गया, बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने इंटरनेट प्रोवाइड किया था, बट प्रोवाइड करने के बाद भी उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। ऑफिस का काम नहीं हो पा रहा था, वीडियो अपलोड्स नहीं हो पा रहे थे। देन हम लोगों ने उसको फिर से उसकी स्पीड्स को इंक्रीज़ करने के लिए कहा, तो उस स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने 2 मंथ्स ले लिए, जो पोलैंड में हमारे 2-3 डेज भी शायद नहीं लगते थे, वो यहाँ पर मुझे 2 मंथ्स वेट करना पड़ा सिर्फ एक स्पीड के लिए। वायर थे, एक सारा कनेक्शन था उसके बावजूद भी। तो इस तरह से अगर सर्विसेज की बात करें तो जर्मनी स्लो है कंपेयर टू पोलैंड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हाउस प्रॉब्लम। इधर पे म्यूनिक आने से पहले ही हम लोगों ने बहुत सारे घर देखे जैसे पोलैंड जाने से पहले किए थे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगी, मैंने पोलैंड जाने से पहले पोलैंड में अपना जो रेंटल हाउस था वो ऑलरेडी बुक कर लिया था वहाँ पहुँचने से पहले, 2 महीने पहले। एंड सेम वैसा ही हमने जर्मनी आने से पहले भी किया, यहाँ का भी घर ढूँढा। पोलैंड में जो घर हम लोगों ने ढूँढा वो हैमिल्टन मैप पे सर्च किया, एंड जो यहाँ है जर्मनी में वो मैंने सर्च किया हाउसिंग एनीवेयर। तो मैं सभी का लिंक भी देती चलूँगी आपको। बट प्रॉब्लम ये हुई कि पोलैंड में आप इंस्टेंट आ रहे हो या फिर पहले से बुक कर रहे हो, तो वो जो घर ढूंढने का प्रोसेस है ना, बहुत इजी है, आप इजीली ढूंढ सकते हो और फ्रॉड होने का चांस बहुत कम है। बट जर्मनी में हाउस ढूंढना एक अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है और बहुत मुश्किल से ये घर हम लोग को मिला अभी जिसमें हम लोग रह रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग बहुत कॉस्टली मिला है एंड उसको चेंज करने को सोच रहे हैं, तो अब मुझे कोई घर नहीं मिल रहा है। 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो मिलेगा ऑब्वियस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्राइस की बात करें तो उधर पोलैंड के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी सही थे, बट जर्मनी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं, स्पेशली म्यूनिक सिटी में। तो ये भी एक इशू है, इधर का प्राइसेस बहुत ज़्यादा है और पोलैंड का ओके था। एंड देन मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल्स की प्रॉब्लम।
स्कूल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है म्यूनिक में, स्पेशली क्रिप्पे ढूंढने में एंड किंडरगार्टन ढूंढने में। स्कूल्स की प्रॉब्लम नहीं उतना जितना क्रिप्पे और किंडरगार्टन की प्रॉब्लम, बट पोलैंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आप इंस्टेंट जाके एडमिशन करा सकते हो। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्कूल चूज़ करो तो उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे उनका सेशन स्टार्ट होता है आप फॉर्म लेके फिल करके एंड स्टार्ट कर सकते हो। सेम पोलैंड में भी ऐसा ही था, इंटरनेशनल अगर आप चूज़ करो तो आप ईजिली कर सकते। बट जो पोलैंड का इंटरनेशनल स्कूल था वहाँ 60,000-70,000 मैक्सिमम 1 लाख तक फीस थी, बहुत कोई हाई फाई है तो। एंड जो म्यूनिक के स्कूल हैं उनकी फीस जो इंटरनेशनल की है वो 1.5 लाख है, किंडरगार्टन की मैं बात कर रही हूँ स्टार्टिंग की। वहाँ क्रिप्पे गवर्नमेंट बहुत ईजिली आपको प्रोवाइड करा देता है, आप क्रिप्पे भेज सकते हो, किंडरगार्टन भेज सकते हो, स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ पर एक ग्रैंड लेवल की प्रॉब्लम है क्रिप्पे ढूंढना एंड किंडरगार्टन ढूंढना। अगर आपने पेड वाला ढूंढना है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, प्राइवेट किंडरगार्टन ढूंढना है, क्रिप्पे ढूंढना है, तो यार उनकी फीस ना 1500 यूरोज है, प्लस उस पर एक्स्ट्रा और भी चार्जेस है जो मैंने इवान के लिए पता किया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड 700 to 1500 तक होता है रेंज, फिर भी यार 700 यूरो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ग्रैंड लेवल प्रॉब्लम है इधर घर का और किंडरगार्टन एंड क्रिप्पे का। एंड देन फ्रेंड मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है टेंपल्स से रिलेटेड। बिकॉज हम लोग हिंदू हैं तो ऑब्वियस है यार, कभी तो मंदिर जाने का मन करता है। बट पोलैंड में जिस सिटी में मैं थी ना वहाँ मंदिर नहीं था। लास्ट ईयर वहाँ पर एक मंदिर रेडी हुआ तो हम लोग गए भी थे, मैं उसकी फ़ोटो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट ये चीज़ म्यूनिक में इजी है, जर्मनी में इजी है। मुझे यहाँ पे इजीली साउथ इंडियन स्टाइल मंदिर मिला और हम लोग वहाँ पर गए भी, पूजा भी करने को मिला। बट जो पोलैंड का टेम्पल था वहाँ पर पूजा करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, आप बस दूर से प्रणाम कर सकते हो। कौन काइंड ऑफ टेम्पल था एंड बट जो इधर म्यूनिक आने के बाद जर्मनी में मुझे टेम्पल मिला उसमें आप शिवलिंग हैं, आप साउथ इंडियन स्टाइल से ही सारी मूर्तियां हैं, आप उनका प्रॉपर अभिषेक कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, कोई प्रॉपर आपको पूजा कराना है वो भी आप करा सकते हो। तो ये चीज़ एक ईजी थी जर्मनी आने के बाद। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे जो हुई वो है लैंग्वेज बैरियर। पोलैंड में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था। फाइनली लास्ट ईयर इंडिया से आने के बाद मेरे हस्बैंड ने पोलिश सीख भी ली एंड मुझे भी काफ़ी कुछ आने लग गई थी। बट जर्मनी में ना ये प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज इशू नहीं है, वहाँ पर इंग्लिश भी नहीं लोग बोलते हैं, जिन्हें आती है वो भी नहीं बोलना चाहते हैं। एंड मैंने डिलीवरी के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम फेस की थी। डॉक्टर्स हैं जो कुछ बोलते हैं, बट कुछ हैं जो जिनको आती है बट वो बोलना नहीं चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बट ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना ये म्यूनिक में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत ईजिली सारे इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। बट उधर पे बहुत प्रॉब्लम था, तो यही प्रॉब्लम एक पोलैंड में था बट इधर म्यूनिक आने के बाद काफ़ी कुछ सही हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड जो पॉइंट है वो है कि ऑब्वियस यार हम लोग इंडियंस हैं तो एशियन फूड्स को ही प्रेफर करते हैं, तो इंडियन फूड जो है एशियन फूड्स है वो पोलैंड में जब मैं आई थी उधर तो केवल एक इंडियन स्टोर था और उस पर भी सामान ख़त्म हो जाता था, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम। अगर आप एक महीने पहले का प्लान नहीं करके चल रहे हो ना तो ऑब्वियस है तुम्हें एंड टाइम पर कुछ भी नहीं मिलना है। बट जर्मनी में बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं तो आप ईजिली फाइंड कर सकते हो। स्पेशली मैं यहाँ म्यूनिक में हूँ तो म्यूनिक में बहुत ईजिली इंडियन स्टोर तो हैं ही, एशियन काइंड ऑफ स्टोर्स हैं जिसमें आपको थाई भी मिल जाएगा, थाईलैंड का, फिलीपींस का, मतलब एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी सामान रहता है वो आपको उस स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये चीज़ एक अच्छी है जर्मनी आने के बाद कि मुझे खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ईजिली सारी चीज़ें आप जब चाहो तब ले सकते हो, किसी भी स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम हुई मुझे वीज़ा रिलेटेड मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि पोलैंड में जो वीज़ा का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बट जर्मनी का जो वीज़ा प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जब पोलैंड में हम लोग आए तो वीज़ा इंडिया से कंप्लीट करा के आए 1 ईयर का, बट हम लोग का लॉन्ग टाइम रुकने का प्लान था तो उसके लिए मुझे और वीज़ा को एक्सटेंड करवाना था। तो जब हमने वीज़ा को एक्सटेंड करवाया तो उसमें हम लोग सितंबर में आए एंड देन मेरा जनवरी लास्ट में मेरा पूरा पेपर्स
अप्लाई भी हो गया एंड मुझे वीज़ा जाके जुलाई में मिला, मतलब मेरा एक्सपायर हो रहा था अगस्त में और वीज़ा मुझे मिला जाके जुलाई में, जस्ट 2 महीने पहले. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. ऐसा ही सेम प्रॉब्लम हुआ जब हमने इवान का वीज़ा अप्लाई किया. हम लोगों ने स्टार्ट किया मई से एंड अपॉइंटमेंट लेना एंड देन पेपर्स कंप्लीट करना, वो होते होते मुझे जुलाई में अपॉइंटमेंट डेट दिया उन्होंने एंड देन वीज़ा मुझे नवंबर लास्ट में मिला. तो आपने शायद ब्लॉग भी देखा होगा वो वाला, कि हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हुए इवान की बुआ की शादी में पहुंच पाए थे. बट जर्मनी आने के बाद से ना हमारा वीज़ा जो था वो 1 ईयर वैलिड था. हम लोग यहाँ पर अक्टूबर में आए एंड हम लोगों ने पेपर वेपर्स कंप्लीट करने के बाद हमने दिसंबर में अप्लाई कर दिया. अपॉइंटमेंट डेट हमारा दिसंबर में था. तो वीज़ा का प्रोसीजर हो जाने के बाद हमको जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में मुझे वीज़ा हाथ में मिल गया. और ऐसा भी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे जितना प्रॉब्लम पोलैंड में होता था वीज़ा को लेकर. तो जर्मनी वीज़ा के मामले में थोड़ा ठीक लगा मुझे, कि बहुत लॉन्ग टाइम वेट नहीं करना रहता है. एक नई चीज़ मैंने आके जर्मनी में देखी कि यहाँ पर लॉक्स नहीं होते हैं डोर्स पे. तो जो आपका मेन डोर है, बिल्डिंग का मेन डोर नहीं, मैं जो अपना फ्लैट का जो डोर है उसकी बात कर रही हूँ, उसमें क्या है यार, डोर में ना लॉक नहीं है. मतलब लॉक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसको ज़रूरत नहीं रहती है लॉक करने की. आपने जस्ट बंद किया एंड आपका डोर ऑटोमेटिक लॉक हो गया. तो ये चीज़ थोड़ी शॉकिंग लगती है मुझे एज अ इंडियन, कि बार बार चेक करना यार सच में लॉक हुआ है या नहीं लॉक हुआ है. बट पोलैंड में ऐसा नहीं था, पोलैंड में लॉक होते थे, प्रॉपर लॉक करना रहता था. बट ये जो एक लॉक जो घर में नहीं होता है ना, वो एक बहुत शॉकिंग चीज़ लगी मुझे यहाँ पर आकर. बट अभी धीरे धीरे थोड़ी सी हैबिट हो गई है. बट फिर भी कभी कभी जाते जाते ना मैं लिफ्ट तक पहुँच गई, फिर से लौट के आऊँगी देखने डोर चेक करने लॉक हुआ भी है कि नहीं. तो ये एक शॉकिंग है यहाँ पर. नेक्स्ट थिंग कि पोलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आपको रोड साइड कहीं भी किसी बॉक्स में न्यूज़पेपर रखे हुए दिख जाए और आप उसमें पैसे डाल दो एंड लेकर चले. बट ये चीज़ जर्मनी में है, आपको जगह जगह न्यूज़पेपर के बॉक्स मिलेंगे, आप उससे अपना न्यूज़पेपर खुद लीजिए और उसमें पैसे डाल दीजिए. और कितनी अच्छी चीज़ है यार, यहाँ चोरी नहीं होती है. पोलैंड में ऐसा नहीं था, बट न्यूज़पेपर से रिलेटेड यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आप खुद से न्यूज़पेपर ख़रीद सकते हो. मैं उसकी फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी. आपको जगह जगह बॉक्स रखे मिल जाएंगे, आप अपना पैसा डालो उस बॉक्स के अंदर, उससे न्यूज़पेपर निकाल लो. एंड फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने 6 मंथ रहने के बाद जर्मनी में ऑब्ज़र्व किए एंड उसको कंपेयर किया पोलैंड से. तो इस तरह से मैं कुछ आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी, जिससे आपको पोलैंड से कंपेयर करके या फिर स्पेशली वहाँ के बारे में भी आपको बताती रहूँगी. तो जिनको उधर से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप मुझे इंस्टा पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो एंड आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो उसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपको वहाँ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो. बट काफ़ी अच्छा है, दोनों ही शहर अच्छे हैं. वहाँ भीड़ कम है, यहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं शायद. और मुझे दोनों ही जगह अच्छी लगी. फ्रेंड, आप भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा. और अगर इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मेरा लगा हो तो प्लीज़ इसे थम्सअप जरूर दीजिएगा. और मिलते हैं फ्रेंड्स तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.